प्रतिभा के संगीत में आप सबका वेलकम है। आपको पता है मैं बहुत लकी हूँ, मेरे किसी भी फ्रेंड ने अपने मम्मा पापा की शादी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी थी जब फर्स्ट टाइम हुई थी, अभी सेकंड टाइम वो दोनों मेरे लिए शादी कर रहे हैं। लकी आप नहीं बेटा, लकी हम हैं जो हमें इतना प्यारा सा बच्चा मिला। आपकी खुशी के लिए आपकी मम्मा पापा कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं बड़े ताऊ जी और ताई जी, मीन मेरे दादू और दादी। वो स्टार्ट करेंगे फिर सब लोग उनको ज्वाइन करेंगे। इस बार अपने सारे अरमान निकाल लूंगा। पिछली बार इन दोनों की शादी में जो जो नहीं कर पाया था ना, इस बार सब करूंगा। यही चाहता हूँ कि आप और आपकी बीवी मुझसे और इस शादी से जुड़े हर रकम से दूर रहे। किसी भी चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं है आपको। जानता हूँ सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी और अब तो हमारा रिश्ता बदल चुका है, बेहतर हो चुका है, लेकिन कुछ भी भूला नहीं। अच्छे से याद है कि ऐसे हर्ट किया करता था। अब तो ना मैं बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मन ही मन लगता है जैसे कुछ हो जाए और वो सारी यादें दिलो दिमाग से मिट जाए बस हमेशा की। लाइफ में कोई डिलीट का बटन ही नहीं, आप बस अपने किए पे पछता सकते हो, उसे मिटा नहीं सकते। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तो आपसे सॉरी कहूंगा। सॉरी पापा। ये पता है क्या कर रहा है? ये ना हमें जानबूझ के इमोशनल कर रहा है ताकि हमारा परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से अच्छा ना हो। ही वांट्स टू बीट अस। वेरी चीप ट्रिक। पर हम इन दोनों के मम्मा पापा हैं, ऐसे जीतने नहीं देंगे। हाँ बेटा जी, देखना कैसे झंडे गाड़ के आएंगे। अच्छा ये बात है, तो ठीक है देख लेंगे। हो जाए फिर। हाँ हो जाए। वेदिका कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान, मेरा भी ध्यान नहीं गया। कहाँ है वो? शायद वॉशरूम गई होगी। या फिर कहीं कार्तिक उसे ऑकवर्ड लग रहा हो और वो हो सकता है। देखो ना यार, हम चाहे जो भी कहे कितना भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करे लेकिन उसके लिए तो ये सब ऑकवर्ड ही रहेगा ना। सो लेट हर बी, उसे जैसे ठीक लगे वो वैसे ही करे, हम बार बार नहीं कहेंगे उसे। कुछ ही समय में इतना कैसे बदल गया सब? किसी ने नोटिस भी नहीं किया, मुझे सोचा भी नहीं मेरे बारे में। ये सब मेरा था और अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। कैसे जीऊंगी मैं, किसके सहारे? पल्लवी ठीक कहती थी कि जब तक रियलाइज होगा बहुत देर हो चुकी होगी। पर अभी भी देर नहीं हुई है, शायद अभी भी। वाह माँ पापा, क्या डांस किया आप लोगों ने, मैं तो फैन हो गया आपका सच्ची। और दादी, बड़ी दादी, छोटी दादी, व्हाट मूव्स मैन, एक्सीलेंट। कैटरीना, दीपिका, शर्म से पानी पानी हो जाएगी आपके सामने। आप लोग तो फेमस हो जाएंगे। अब इससे पहले कि लोग फेमस हो जाए, ऑटोग्राफ प्लीज, प्लीज प्लीज ऑटोग्राफ। ए ओफो पापा, ऑटोग्राफ नहीं, सेल्फी। अच्छा हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी टाइम। रुक जा बेटा, थोड़ी सांस तो लेने दे। हाँ तुम सबकी तरह जवान नहीं है, हम थक जाते हैं। हाँ ये लीजिए, आप पानी पीजिए, जूस पीजिए,
ताजो बादाम खाइए, ताकत आ जाएगी, उसके बाद सेल्फी लेंगे। नायरा कार्तिक अब रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ हो जाए अब तो। कायरव 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 अरे कहाँ गए? कायरव कहाँ गए? तू क्या कर रहा है कायरव? चुप रहो। बेटा जी आप भाग कर छुप रहे थे हमसे? आपको क्या लगा हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? नहीं मम्मा, मैं तो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था। आपके ना सारे फ्रेंड्स वहाँ बैठे हैं और अगले डांस का वेट कर रहे हैं वो। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बताते क्या किसकी साइड पे हो। तो अपनी मम्मा को बता दो कि आप पापा की साइड पे हो, बोल दो बोल। वो कब से कायरव अपनी मम्मा की साइड पे है? पता नहीं तुम्हें ये बात क्लियर क्यों नहीं होती। क्योंकि सच नहीं है, कायरव मेरी साइड पे, अपने पापा की साइड पे, बता दो। जी नहीं, कायरव मम्मा की साइड पे है ना कायरव? कायरव आप ही बता दो बेटा कि आप किसकी साइड पे हो। मम्मा की ये पापा की। कुछ नहीं बोला इसका मतलब मम्मा की साइड पे ऑब्वियसली। कुछ नहीं बोला मतलब वो पापा की साइड पे, वैसे भी तो मेरे जैसे दिखता, मेरा बच्चा है मेरे साइड पे। क्या तुम्हारा बच्चा है तो मेरा क्या है? मेरा भी उतना ही बच्चा है कार्तिक, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा। मेरा हक ज्यादा है तो मैं माँ हूँ उसकी। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। अभी आधा पौना घंटा और लगेगा इन लोगों को, इसलिए आप सभी लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कायरव प्लीज अपनी मम्मा को बता दो कि आप मेरे साइड पे हो। अकेले से काम करेंगे क्या हम लोग? एक ड्रम जो है ना वो पॉपकॉर्न का मंगा लेते हैं, वो कैरमल और चीज मिक्स करके। एंटरटेनमेंट बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ और उसके साथ काला खट्टा भी। हाँ, हमारे लिए भी, वो भी ड्रम भर के। आप दोनों चुप हो जाओ प्लीज। मम्मा पापा प्लीज ये झगड़ा बंद करो, मैं आप दोनों में से किसी के भी साइड पे नहीं हूँ और आप दोनों के साइड पे हूँ। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, आप दोनों ही मेरे फेवरेट हो। मैं कैसे एक को चूज करूं? प्लीज मुझे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं डर जाता हूं। अगर मैं मम्मा की साइड लूंगा तो पापा नहीं मिलेंगे, अगर पापा की साइड लूंगा तो मम्मा नहीं मिलेंगे। मुझे ऑलवेज आप दोनों ही चाहिए। कितना सा बच्चा, देखो कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। आजकल के बच्चे जरा जरा सी चीजों की लालच में कभी पापा को फेवरेट बनाते तो कभी मामा को, और इसे देखो खेल खेल में भी ऐसे नहीं कर रहे। ये सब कुछ नायरा की परवरिश है। मैं तो किसी के भी साइड नहीं हूँ, इसलिए आप दोनों को अपना अपना डांस अकेले करना पड़ेगा। हाँ भाई ये भी ठीक, कायरव किसके साइड पे नहीं है, किसी के साथ नहीं है, लेकिन कार्तिक बस नायरा का डांस ओके ही रहेगा। क्यों? हाँ बिल्कुल होगा, और भी जोरदार तरीके से और पूरे जोश के साथ। ठीक है हो जाए। हो जाए। ये ऑलवेज ओके। 3, 2, 1 म्यूजिक। अरे क्या हुआ, ये हमेशा होता है। अरे यार हो गया शुभारंभ, हमारी शादी में गड़बड़ ना हो ऐसा हो सकता है? विनोद क्या हुआ लाइट को? सर लाइट तो बहुत देर से नहीं है, इन्वर्टर चल रहा था, लगता है शायद वो भी अब बंद हो गया। भगवान। अरे तो कुछ करो, इन्वर्टर की बैटरी बदलो या जनरेटर ऑन करो, कुछ करो तो सही। अरे कोई चेक करो प्लीज। सर 5 मिनट दीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो। हाँ।
माय गुडनेस नैर, मुझे नहीं पता था कि तुमसे जरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा। देखो थोड़ी लाज करो, थोड़ा धीरज धरो बालिक के, अपने भावनाओं के सैलाब में यूं बह मत जाओ। अभी बहुत जीवन पड़ा है प्रेम के प्रदर्शन हेतु। ओ हेतु सेतु, अपनी टट्टर बंद करो, यहाँ क्यों लेके आई हूँ, जरा वो समझो। हट बेशर्म, सब समझ में आ रहा है मुझे कि छुपते छुपाते यहाँ साइड में क्यों लेकर आई हूँ। क्यों अपने दिमाग पे जरा जोर डालो और सोचो कि तुम क्या भूल रहे हो। मैं क्या भूल रहा हूँ, सब कुछ तो याद है मुझे, सब सगाई की अंगूठी पहन रखी, वरमाला पहनने का वक्त हुआ नहीं, तो मैं क्या भूल रहा हूँ बताओ मुझे। करो करो, याद करो, अच्छे से याद करो। क्या है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बस। अच्छा सॉरी, याद आ गया। शुक्र है, बोलो। तुम्हारी पार्लर वाली का फोन आया था, वो नहीं आ पाएगी, मैं तुम्हें बोलना भूल गया, सॉरी। शट अप, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तुम कुछ ऐसा भूल रहे हो जो तुम हमेशा करते हो पर अभी नहीं किया। मैं क्या करता हूँ हमेशा, देखो मैं सुबह उठ के नहाता हूँ, नहाया, डीओ लगाता हूँ, लगाया, फिर वॉशरूम जाता ही हूँ ना। अच्छा ठीक है, नहीं बता देती हूँ, तुम हमेशा हाय मुझे देख के ऐसे करते हो लेकिन अभी नहीं किया, ये करना भूल गए। अरे क्या, सॉरी। अरे सुन माहिरा, अरे सुनो तो सही, सॉरी छोड़ो मेरा। अरे माहिरा, मेरे दिमाग से निकल गया जान। हाँ तो मतलब अभी तक तुम जब भी बोलते थे वो दिमाग से बोलते थे, दिल से नहीं। ओ मैं प्रीऑक्यूपाइड था, ध्यान कहीं और था जाना, सीरियस। अच्छा मेरे होते हुए तुम्हारा ध्यान कहीं और था, वेरी गुड। कल शादी है ना हमारी, शाबाश कार्तिक, और थैंक यू मुझे हक्का सिखाने के लिए, अब मैं भी अपना ध्यान कहीं और लेता। अरे चुप, बंद हो गई यार, कब से समझा रहा हूँ, कितना भाषण दे देती है एक ही बात पे। चुप रहो, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो बात करनी है, मुझे तो शादी भी करनी है, उसके बाद स्वागत। एक वर्ड और निकाला ना आगे, तुम मुझे नहीं बात करनी तुमसे। नायरा क्या करूं मैं, अब तो इसे मना कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। नायरा कहां गई। अच्छा वहां छुप रही हो जा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।